अकेले हो, हॉरर स्टोरी सुन रहे हो? चलो तो सुनो फिर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे और आपके घर वाले भी ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इन तमाम डरावनी मखलूकात से महफूज फरमाएं और आपकी हिफाजत फरमाएं। ऐसी मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और डर तो सभी को लगता है, लेकिन क्या करें, डर के आगे जो है वो कभी कभी कहते हैं जीत है। और ये लोग जो है वो डरा कर ही हमें जो है वो खुश होते हैं। और मैं यही कहूँगा कि जब भी ऐसा कभी कोई सीन हो तो डरिए मत, बल्कि आयतें वगैरह जो है पढ़ लें। आयतल कुर्सी सबसे पहले आती है जो आपको इन सब चीज़ों से सेफ रखेगी। अगर कभी ऐसा कभी आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हो जाए जो हमारी स्टोरीज़ में होता है, तो आप लोग जो है वो ये चीज़ कर सकते हैं। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, खुशियाँ दे और लंबी उम्र अता फरमाए, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेगा। आज का जो एपिसोड है हॉरर का, वो काफ़ी दिनों बाद हो रहा है, रमज़ान और ईद के बाद हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज हमारी स्टोरीज जो है वो पसंद आएंगी। अगर स्टोरीज के दौरान आपको डर लगे तो आप लोग अपने कमरे की लाइट्स ऑन कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर जितने लोग हमें सुन रहे हैं आप सबका बेहद शुक्रिया, और आपको भी वेलकम करते हैं हमारे साथ। और मैं इस वक्त उर्दू मदर लॉबी पे शो कर रहा हूँ, और अगर आप लोगों को हमारा कॉन्टेंट या स्टोरीज़ पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्टोरीज़ को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारे चैनल पर स्टोरीज़ भेजनी हो तो हमारा ईमेल है rjvortexradio@gmail.com। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि हमारा जो ईमेल है वो है rjvortexradio@gmail.com। तो आप लोग इस पर जो है हमें अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं, या फिर आपकी स्क्रीन पर जब ये यूट्यूब पर शो आएगा तो हमारा जो है वो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ पर भी ऑडियो पर अपनी वॉइस हमें भेज सकते हैं। और हमारे इस शो के दौरान हमारे अगर कोई यूज़र आकर अपनी स्टोरीज हमसे शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप लोगों के पास इस चीज़ का मौका है। सिंड्रेला ने ज्वाइन किया, तलहा अरमानी आ चुके हैं, इनको भी वेलकम करते हैं, मरबा को वेलकम करते हैं, और द रेस्ट ऑफ द न्यूली पीपल स्टार, इनको भी वेलकम करते हैं। द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिसनिंग मी ऑलरेडी, आपको वेलकम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। चलते हैं स्टोरीज़ की तरफ बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि हमारे पास खाली एक ही घंटा होता है। सो लेट्स गो फॉर द स्टोरी गाइस, सिट बैक, रिलैक्स एंड पुट योर हैंड्स फ्री ऑन योर ईयर्स और स्पीकर, इट्स योर चॉइस, एंड टर्न ऑन द लाइट एंड ड्रॉ द कर्टन एंड क्लोज द डोर व्हाइल यू आर लिसनिंग द स्टोरीज। थैंक यू सो मच।
हमारी एक स्टोरी ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है जिसमें दुबई की शार्क के हवाले से जिक्र किया गया है। ये स्टोरी हमें उन्हीं साहब ने भेजी है जिनका नाम है सैयद अब्बास नकवी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अब्बास नकवी, आपने अपनी दूसरी स्टोरीज भी हमें भेजी है और अब हम ये जो है वो सुनाने जा रहे हैं। इस स्टोरी को जानने से पहले मैं आप सबको रोमानिया का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, शहर कंट्री जो रोमानिया है, और क्योंकि आगे चलकर ये स्टोरी में आप सबके काम आएगा ये इंट्रोडक्शन। तो रोमानिया दुनिया की तारीख तरीन और बहुत ही पुराना मुल्क है, यानी रोमानिया को ये कहा जाता है कि वो तारीख़ी तरीन में सबसे पुराना मुल्क माना जाता है और ये ईस्ट यूरोप में है और इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। लेकिन इस मुल्क में कई ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ड्रैक्यूला। एक्चुअली ड्रैक्यूला रोमानिया से था और एक खौफनाक और ज़ालिम बादशाह था, और इसके खौफ और कत्लो गारत की सब डिटेल्स नेट पर मौजूद हैं, जिसको आप ड्रैक्यूला हिस्ट्री लिखकर सर्च कर सकते हैं। रोमानिया में बहुत सारी खौफनाक और पुरसरार जगहें मौजूद हैं, जैसे विचेस पॉन्ड यानी चुड़ैलों की झील, ड्रैक्यूला कैसल हो या बाची फॉरेस्ट, ये जो ड्रैक्यूला का कैसल है हो या बाची फॉरेस्ट, और सिफली और सिया जादू यानी काला जादू, और कई दुनिया की ख़तरनाक तरीन जगहें भी हैं। इन जगहों पर जाने का कोई सोचता भी नहीं है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि आज हम जिस फॉरेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन जंगल माना जाता है। इसको बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, साइंटिस्ट इंक्लूडिंग फोर्सेस ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश भी की है, पर जो भी इन्वेस्टिगेट करने गया या कोशिश की तो सिर्फ नुकसान ही उठाया। डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को आगे स्टोरी समझने में आसानी होगी, और अब इसमें इंटरनेट के ज़रिए मज़ीद और डिटेल्स आप ले सकते हैं। ये स्टोरी है मिसिंग एना मारिया की। अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये बात है लेट 60s और अर्ली 70s की। एग्जैक्टली ईयर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये आज तक डिस्प्यूटेड है, यानी अभी भी मिस्ट्री है, ये अनसॉल्व पजल है जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाया। हुआ ये कि एक फैमिली जो कि रोमानियन की थी, किसी छुट्टी के मौके पर घूमने फिरने के लिए इस फॉरेस्ट में जा पहुँची। फैमिली में कहा जाता है कि 11 लोग थे, जिसमें 4 बच्चे और 7 मेंबर्स बड़े थे। गर्मियों के दिन थे और ये फैमिली अपने बारबेक्यू और दूसरे खाने बनाने में मसरूफ़ थी। बच्चे और बड़े इन्जॉय कर रहे थे और कहा जाता है कि उन्हें उस वक्त कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस नहीं हुई। बताने वाले या लिखने वाले लिखते हैं कि दोपहर 3 बजे का वक्त था और अचानक से 4 बच्चों में से जिसमें एक लड़की थी जिसकी एज तकरीबन 5 साल थी, और 3 लड़के थे जो तकरीबन 10 से 12 साल के होंगे। बच्ची जिसका नाम एना मारिया था वो अचानक से गायब हो गई। बच्चों ने बहुत ढूंढा, जब वो नहीं मिली तो बच्चों ने फिर बड़ों को बताया और फिर उस बच्ची की तलाश शुरू हो गई। ढूंढते ढूंढते शाम होने को आई पर बच्ची का कुछ पता नहीं चला। अब जाहिर है पुराना दौर था, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उस टाइम। उन 7 बड़ों में से एक ने, जो इनका रिश्तेदार था, पुलिस की मदद लेने के लिए पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गया, जो कि उस जंगल से बहुत दूर था। ये भी बताता चलूं कि ये इतना खौफनाक इलाका है कि यहाँ गवर्नमेंट तक ने कोई डिपार्टमेंट करीब नहीं बनाया, शायद यही वजह थी। खैर, दोपहर से शाम और शाम से रात होने को आई। उस कयामत खेज जंगल में वो सब उस बच्ची ऐना को ढूंढने में लगे हुए थे, और ये एहसास ही नहीं रहा कि ये किस जगह मौजूद हैं। वैसे इनमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन हकायक को नहीं मानते कि दूसरी मखलूक भी एग्जिस्ट करती है, इससे इनकार करते हैं। अब बहरहाल अंधेरा और गहरा होना शुरू हुआ और हस्बे मामूल इस जंगल ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। मुख्तलिफ खौफनाक आवाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ और उस मखलूक ने अपने आप को जाहिर करना शुरू किया। जो बड़े और बच्चे वहाँ पर
इस बच्ची को ढूंढ रहे थे, उसको अब उस मखलूक ने बाकायदा अपना वजूद दिखाना शुरू किया। कहते हैं कि उनकी एग्जिस्टेंस इतनी खौफनाक थी कि जो 6 अफराद और 3 बच्चे बचे थे जो इस गहरे पुरसरार और ख़तरनाक जंगल में थे, किसी को मखलूक हवा में उठाकर फेंकती थी तो किसी का गला दबा देती थी और किसी को कपड़ों से पकड़कर खींचती थी तो थप्पड़ों से मारती थी। उन सब लोगों को इतना खौफजादा और हिरासा कर दिया था कि उनमें से एक शख्स खौफ की ताब ना लाते हुए हार्ट अटैक से ही अपनी जान खो बैठा। अब ये 5 लोग और 3 बच्चे जो बचे हुए थे, ये खौफजादा हो के एक साथ बिल्कुल चिपक कर बैठ गए थे। जैसे जैसे रात गहरी होती थी और होती जा रही थी, वैसे वैसे मुख्तलिफ चीज़ें और हरकत नुमाया होती जा रही थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले स्टीफन फ्रांस नामी शख्स ने लिखा है कि लोगों से इसको वाकये के बाद बताया कि इनको ऐसे लोग नज़र आए जिनके जिस्म पर उनके सर नहीं थे। किसी को बोने नुमा लोग नज़र आते जो बिल्कुल गोल थे। कुछ को औरतें देखीं जिनके पांव उल्टे थे और कुछ को आधे जानवर और आधे इंसान वाली चीज़ें दिखाई दीं। इनका फैमिली मेंबर जो कि पुलिस लेने गया हुआ था, वो अपने साथ 4 पुलिस वाले और पांच फॉरेस्ट रेंजर्स को लेकर आया जो जंगल से वाकिफ़ होते हैं। फॉरेस्ट रेंजर्स उनको कहा जाता है जिनके जोन में जंगल पड़ता है और उनको जंगल का तकरीबन तमाम रास्ता मालूम होता है। अब मज़ीद और खौफज़दा करने वाली कहानी ये है कि इस बंदे के साथ 5 फॉरेस्ट रेंजर्स आए थे जिनके जोन में ये फॉरेस्ट आता था। अब बजाय इन सब को वहाँ से लेकर निकलते वो खुद इस फॉरेस्ट में आए तो उनमें से 2 रेंजर्स लापता हो गए। अब बच्चे, 4 पुलिस वाले और 3 फॉरेस्ट रेंजर्स बाकी थे। रास्ता ढूंढ रहे थे कि किस तरह से ये खुद भी बाहर निकलें और उस फैमिली को भी उस जंगल से बाहर निकालें। अब इस वाकये में 2 फॉरेस्ट रेंजर्स और 1 बच्ची खो चुके थे। रात गुजरती जा रही थी और उस मखलूक के जलवे मज़ीद तेज़ और नुमाया होते जा रहे थे। उनको जैसे तैसे करके बाहर निकालने का रास्ता मिल गया और 4 पुलिस वाले उन बच्चे और बड़े लोगों को जो बचे हुए थे, उन लोगों को लेकर वहाँ से भाग निकले और सबको महफूज जगह पर पहुँचा दिया। अगले दिन इन फॉरेस्ट रेंजर्स और पुलिस वालों ने मिलकर रिपोर्ट तैयार की और पुलिस और फॉरेस्ट रेंजर्स की भारी नफरी वापस उस फॉरेस्ट में दाखिल हुई और एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। कई घंटों की तलाश के बाद वो डेड बॉडी मिली जो इस फॉरेस्ट में आई उस फैमिली के रिलेटिव की थी जिसकी जान हार्ट अटैक से हुई थी। मज़ीद कुछ और घंटों के बाद उन दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर्स यानी रेंजर्स की भी लाशें दरख्तों पर टंगी हुई मिली। उन लाशों के धड़, उनके सर गायब हो चुके थे, उनके धड़ से यानी उनकी बॉडी से उनके सर गायब थे। दरख्तों पर सर कटे जो जिस्म लटक रहे थे वो वैसे ही लटके हुए थे लेकिन उनका सर गायब था। मुश्तरका फ़ौज जो एक साथ गई थी, उन्होंने 3 लाशें उठाई और इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंड कर दी। और जो भी इन्वेस्टिगेटर इस फॉरेस्ट में गया, या तो वो बीमार होकर वापस आया और या फिर उस शख्स की याददाश्त खो जाती थी और इस केस को बंद कर दिया गया। मिस्ट्री जो अब ज़्यादा बड़ी मिस्ट्री बनने जा रही है। टाइम गुजरता गया और फॉरेस्ट के दाखिले पर पाबंदी लगाती रही, यानी पाबंदी लगती रही इसी वजह से कि वो फॉरेस्ट आसेब ज़्यादा था। अब इस वाकये को गुजरे 5 साल हो चुके थे। फॉरेस्ट रेंजर्स एक मखसूस टाइम पे फॉरेस्ट के अंदर जाते थे और पेट्रोलिंग करके बाहर आ जाते थे। होता कुछ यूं है कि फॉरेस्ट रेंजर्स जब अंदर गश्त कर रहे थे, इनको एक बच्ची खड़ी हुई नज़र आई। ये उस बच्ची के पास भाग कर पहुँचे, उसको अकेला देखा और फॉरेस्ट की रेपुटेशन को मद्देनज़र रखते हुए बच्ची से पूछा कि वो कौन है और अकेली यहाँ क्या कर रही है। उस बच्ची ने कहा कि मैं अपने घर वालों से बिछड़ गई हूँ और उनको ढूंढ रही हूँ। पूछने पर उस बच्ची ने अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के नाम भी बताए।
जिनके साथ वो पिकनिक मनाने यहाँ आई थी। और अपना नाम भी बताओ, जब उससे पूछा कि इस बच्ची का नाम एना मारिया है। फॉरेस्ट ऑफिसर फौरन उस बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन को बताया तो पुलिस वालों ने रिकॉर्ड खोलना शुरू कर दिया और रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि वही 5 साल एना मारिया है जो इस फॉरेस्ट में अपने माँ बाप और रिश्तेदारों से 5 साल पहले बिछड़ गई थी। इस बच्चे की उम्र उस वक्त भी 5 साल थी। 5 साल बाद जब ये बच्ची इनको मिली तो पुलिस वालों ने टेलीग्राम करके इस बच्ची के माँ बाप को फौरन बुलवाया और इस केस को ऊपर फॉरवर्ड किया गया। एक दिन बाद जब माँ बाप अपनी इस मासूम बच्ची को लेने आए तो माँ बच्ची को देखकर बेहोश हो गई, क्योंकि इस बच्ची ने वही कपड़े पहने हुए थे जो उस दिन पहने थे जब वो फॉरेस्ट में खो गई थी। बच्ची से सवाल करने पर बच्ची ने कहा कि मैं थोड़ी देर पहले ही खेलने गई थी और फिर मुझे मेरे घर वाले मिल नहीं रहे थे और मैं उन्हें ढूंढ रही थी। फिर ये 4 लोग जो कि फॉरेस्ट रेंजर्स थे मुझे मिले और यहाँ ले आए। ऑनेस्टली ये दिमाग को हिला देने वाली अनसॉल्व मिस्ट्री है। ये एक सच्चा वाकया है और ये आज तक ये एक मिस्ट्री ही है जो कि अभी तक अनएक्सप्लेनेबल है या अनपजल्ड है। ये पज़ल अभी तक सॉल्व नहीं हुई। वो बच्ची एना मारिया कहाँ है, फिर आगे क्या हुआ, आज तक कुछ नहीं पता और किसी ने फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की, और अगर की तो सब छुपा के रखी गई। इस वाक्य की कई चैनल्स ने डॉक्यूमेंट्री बनाई और न्यूज़पेपर में भी बताया। इस बच्ची के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया जा सकता है और ये पूरी स्टोरी यहाँ की मिस्ट्री लिटरेचर में मौजूद है। वो लोग जो ऐसे केसेस और वाक़यात में इंटरेस्टेड हैं तो वो ज़रूर मिस्ट्री को सर्च करें, और यूट्यूब पर कुछ डॉक्यूमेंट्री भी इसकी मौजूद हैं इस केस के हवाले से। उम्मीद है ये मिस्ट्री होया बाची फॉरेस्ट आपको पसंद आई होगी। तो बहुत शुक्रिया आपका अब्बास नकवी साहब, आपने स्टोरी हमसे शेयर की और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और पर्सनली मुझे भी इंटरेस्टिंग लगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसी स्टोरीज़ आप मुझे भेजते रहेंगे और मैं अपने सुनने वालों से शेयर करता रहूँगा। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। हिंदुस्तान का जो हरियाणा है, पहले तो ये पंजाब ही होता था। हरियाणा में एक इलाका है जिसका नाम है हिसार। मेरे परदादा ब्रिटिश आर्मी में थे और कीतल के रहने वाले थे। उन दिनों उनकी पोस्टिंग हिसार के पास एक जंगल था, उधर हुई थी। अब तो खैर वो जंगल नहीं रहा, पर उस टाइम वो जंगल होता था। तो वहाँ पर उनकी ड्यूटी लग गई, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश दौर के कुछ बागी छुपे हुए थे, तो मेरे परदादा वहाँ पर तैनात थे। ये 1990 यानी 1919 की बात है। तो मेरे परदादा वहाँ पर आर्मी को लीड कर रहे थे। हुआ यूं कि जंगल से परे कुछ 4-5 गांव थे, उनमें से एक गांव के अंदर कत्ल हो गया और जो मुकामी पुलिस थी वो आई हेल्प लेने के लिए कि आप लोग हमारी कुछ हेल्प करें, हमें हथियारबंद फौज दे दें और ताकि हम उन फौजियों से हम उस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन उनकी मदद से मिलकर करें। वहाँ पर जो बंदा कत्ल हुआ था वो काफ़ी पहुँचा हुआ बंदा था और ब्रिटिश सरकार काफ़ी कंसर्न्ड है उसके कत्ल को लेके। तो मेरे परदादा कहते हैं कि मैंने एक हथियारबंद फौजी जिसका नाम अब्दुल लतीफ़ था, वो एक पुलिस का बंदा था मंजीत सिंह, उसके साथ उसको कर दिया कि तुम दोनों साथ मिल जाओ और इन्वेस्टिगेट करो। तो मंजीत सिंह और अब्दुल लतीफ़ ये दोनों पैदल जंगल को पार करके उस गांव में चले गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहां पर काफ़ी टाइम लगा, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तैयार की मंजीत सिंह ने, और उसके बाद उसने कहा कि अब मैं रेडी हूँ तो चलें। तो वहाँ पर गाँव वालों ने कहा कि अब रात हो गई है तो प्लीज़ आप लोग इस जंगल में सफ़र ना करें, क्योंकि ये जंगल आसेब ज़्यादा मशहूर है और वहाँ पे काफ़ी वाकयात हो चुके हैं
और आसपास के लोग भी यही कहते हैं कि लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं जिन्होंने रात के टाइम यहाँ सफ़र करने की कोशिश की है। लेकिन बहरहाल ये लोग एक फ़ौजी को ये बात कह रहे थे। तो ये एक फ़ौजी था और एक पुलिस वाला था, इन दोनों में आपस में टीम थी और हमें डरने की क्या ज़रूरत है, वो दोनों आपस में ये बातें करने लगे। हम लोग यहाँ पे कोई छुट्टी मनाने तो नहीं आए, हम लोगों ने जाकर रिपोर्ट करनी है। और वैसे भी जो अब्दुल लतीफ़ था वो ब्रिटिश आर्मी का बंदा था, उसने कहा कि मैं तो ऐसे इलाकों में फिरने का आदी हूँ और जंगल के आसपास बागी छुपे हुए हैं, तो हो सकता है ये स्टोरी उड़ाई गई हो। तो खैर वो अब्दुल लतीफ़ और मंजीत रात के वक्त ही सफ़र करने के लिए चल पड़े। जंगल बहुत बड़ा नहीं था मगर 10 से 11 मील का सफ़र था और घना जंगल था। आज के दौर की तरह नहीं था कि अब तो हर जगह आबादी हो गई है, उसके आसपास भी कोई आबादी नहीं थी। तो ये लोग चलते रहे और इन्होंने सफ़र करना शुरू किया। अब हुआ यूं कि रात एकदम बादल आए और बारिश शुरू हो गई। डरने की कोई बात नहीं है, जंगल में हम किसी जगह कोई उसको साफ़ करके और किसी चीज़ की छाँव में बैठ जाते हैं ताकि बारिश ख़त्म हो तो हम चले जाएं। अब ये दोनों एक जगह पर बैठ गए मगर बारिश नहीं रुकी और अब्दुल लतीफ़ ने मंजीत सिंह को कहा कि यहीं पर सो जाते हैं और वैसे भी 3-4 घंटे बाद सुबह हो जाएगी तो सुबह उजाले में चले जाएंगे। अब हुआ कुछ यूं कि जैसे ही वो लोग अपनी जगह साफ़ कर रहे थे जहां उनको बैठना था, तो उन लोगों से उस जंगल में सफ़र करना मज़ीद मुश्किल हो गया क्योंकि रास्ते में बारिश शुरू हो चुकी थी। तो मंजीत सिंह ने कहा कि यार अब्दुल लतीफ़, मैं जो है वो थोड़ा सा डर रहा हूँ। तो अब्दुल लतीफ़ ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, जंगल में हम किसी जगह कोई साफ़ करके किसी चीज़ की छाँव में बैठ जाते हैं ताकि बारिश ख़त्म हो तो हम वापस चले जाएं। अब ये दोनों एक जगह पर बैठ गए मगर बारिश नहीं रुकी और अब्दुल लतीफ़ ने मंजीत सिंह को कहा कि यार यहीं पर सो जाते हैं और वैसे भी 3-4 घंटे बाद सुबह हो जाएगी तो सुबह के उजाले में वापस चले जाएंगे। वैसे भी अभी जो जंगल की ज़मीन है वो गीली हो गई है और ये ना हो कि हम किसी दलदल में गिर जाएं रास्ते में और ज़मीन स्लिपरी भी होगी और उसमें पानी भी होगा, तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए और हम में से किसी को चोट भी लग सकती है और यहाँ दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, तो ये लोग चादरें बिछाकर वहीं पर सो गए। तो रात को जब ये सोए हुए थे तो अचानक अब्दुल लतीफ़ को महसूस हुआ कि आसपास कोई चीज़ घूम रही है। खैर अब्दुल लतीफ़ उठा और आंखें खोल कर देखा तो एक लंबे लंबे बालों वाली चीज़ और उसके जो पैर हैं वो तकरीबन इंसानों की तरह हैं और वो चीज़ उनके दरख से थोड़ी दूर चक्कर लगा रही थी। अब्दुल लतीफ़ समझा कि ये कोई रीछ है या भालू है। फिर उसे याद आया कि जंगल में तो रीछ या भालू होते ही नहीं हैं, तो ये चीज़ कहाँ से आई है, किसी मदारी का रीछ छुटकर आ गया है, वो अभी दिमाग में ये ख्याल कर रहा था। खैर उसने डरते डरते अपनी बंदूक उठाई तो वो कहता है कि जब मैंने गौर से देखा तो वो चीज़ 8 से 9 फिट ऊंची थी और जब उसका चेहरा देखा तो आंखें सुर्ख और जो दांत थे वो होठों से भी नीचे थे और बाजू उसके ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे वो किसी दरख्त के मोटे तने को उन हाथों से उखाड़ दे। अब्दुल लतीफ़ कहता है कि उसे देखकर मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई और मैंने एकदम कलमे वगैरह पढ़ने शुरू कर दिए, अल्लाह की आयतें पढ़ना शुरू कर दी और मैंने मंजीत सिंह को उठाने की कोशिश की। मंजीत सिंह उठा तो मैंने उसे कहा कि भागो और साथ ही मैंने भी दौड़ लगा दी। और कहते हैं कि मैं भागा तो मंजीत सिंह पीछे था, दौड़ में एकदम उसकी आवाज़ आना बंद हो गई और मुझे सिर्फ उसकी चीख की आवाज़ आई
और वो कहता है कि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं भागता रहा। मैं रास्ते में गिरा, मुझे चोटें भी लगीं। मैं किसी न किसी तरह रास्ता क्लियर करके भाग आया। उसके बाद वो कहते हैं कि जब मैं अपने कैंप में पहुंचा, यानी कैंप में जो कैंप लगे हुए थे उनके, उसमें पहुंचा तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, किस तरह से आया हूँ। मैं 3 दिन बेहोश रहा और दादा बताते हैं कि जब मैंने अब्दुल लतीफ़ से पूछा तो उसने बस इतना कहा कि वो जंगल रीच वहाँ पर हमें दिखा था और वो मंजीत को ले गया। तो जब ये बात मशहूर हुई तो लोग बहुत परेशान हुए, तो जो परदादा थे उन्होंने 20 फौजी अपने साथ लिए और वो जंगल में गए। तो मंजीत सिंह की उधड़ी हुई लाश उनको जंगल में मिल गई और जब उन लोगों ने उस लाश का पंचनामा किया तो देखा तो कोई ऐसा जानवर उनकी समझ में नहीं आया जो इसको खाए। तो फिर उन्होंने गांव में जाकर रिसर्च की तो गांव वालों ने कहा कि यहाँ पर आसेबी चीज़ें हैं, बलाएँ हैं, उनमें से ही किसी का काम हो सकता है क्योंकि हमें तो कोई ऐसा जानवर नज़र नहीं आया या कभी भी जो इसको खाए। खैर वो लोग हिसार बांध कर जंगल के अंदर से शहर गए और जो मुफ्ती साहब थे उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों के वजूद से आपको इनकार नहीं कर सकते और वीरानों के अंदर इनका होना आम बात है। आपके जो सिपाही थे उनकी गलती है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं तो हम जंगल के अंदर जाकर कोई अमल वगैरह करते हैं और पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने ये काम किया है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि ज़्यादा लोग ना जाएं। तो दादा ने दिल बड़ा किया और आमिल साहब से कहा कि आप किसी मुफ्ती साहब को हमारे साथ भेज दें तो मैं जाने को तैयार हूँ। तो उन्होंने एक पहुँचे हुए आमिल को उनके साथ, जो उनके मुरीद भी थे, उनको उनके साथ भेज दिया। पर दादा कहते हैं कि मैं, आमिल साहब और हमारा एक फ़ौजी, हम तीनों गए जहाँ आसपास से मंजीत सिंह की लाश मिली थी। तो आमिल साहब ने एक जगह खड़े होकर कहा कि यहाँ पर आसेब मौजूद है और अगर हम उसे काबू करने की कोशिश करते हैं तो हमें 2 बकरे चाहिए होंगे जिनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। खैर वो बकरे भी मंगवा लिए गए। तो आमिल साहब ने वहाँ एक दरख के नीचे टेंट लगाया और बैठ गए और अमल पढ़ना शुरू किया। तो वो कहते हैं कि अमल पढ़ते हुए 3 से 4 घंटे गुजर गए तो एकदम से बहुत खौफनाक किस्म की आवाज़ें आईं और धमकी दी गई कि यहाँ से चले जाओ वरना जो हाल तुम्हारे साथी का हुआ है वही किया जाएगा। लेकिन आमिल साहब गुस्से में आ गए और कहा कि तुम कौन हो, ज़रा सामने तो आओ। पर दादा कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा वही था जब वो चीज़ सामने आई। तो यकीन करें मेरे होश उड़ गए। जो अब्दुल लतीफ़ ने बताया था कुछ भी नहीं था। वो चीज़ इतनी खौफनाक थी कि उसको देखकर मेरे हाथ पैर सुन्न होने लग गए। हालांकि मैं एक बहादुर फ़ौजी था। कहते हैं कि जब उसको देखा तो उसका कद तकरीबन 14 से 15 फिट था। जिस्म पर बाल, हाथ लंबे, नोकीले नाखून और खूंखार नज़रों से वो चीज़ हमें घूर रही थी और वो इंसानों की तरह खड़ी थी, जानवरों की तरह 4 पांव पर नहीं खड़ी थी। तो आमिल साहब ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं जो भी हूँ ये जंगल हमारा बसेरा है। यहाँ पर जो तुम्हारा बंदा था उसने वॉशरूम किया था, हमने इस जंगल को गंदा नहीं करते, ये जंगल हमारा मस्कन है। हमने तुम्हारे साथी को कुछ नहीं कहा लेकिन ये लोग रात को यहाँ ठहरे और तुम्हारा एक साथी सो गया इसलिए हमने उसको कुछ नहीं कहा लेकिन दूसरा जिसने गंदगी की थी उसको हमने ज़िंदा नहीं छोड़ा। तो तुम्हारे लिए भी बेहतर है कि हमें छोड़कर यहाँ से वापस चले जाओ, ये हमारा घर है और हम यहाँ से नहीं जाने वाले। तो खैर आमिल साहब ने अमल पढ़ना बंद कर दिया और उसके बाद वो परदादा को बोलते हैं कि ये चीज़ें अल्लाह की मखलूक हैं, वैसे इन्होंने किसी को तंग नहीं किया लेकिन जो लोग इनके मस्कन में खलल डालते हैं या इधर आकर गंदगी करते हैं जैसे तुम्हारे साथी ने की थी तो इन्होंने
उसको मार दिया। हम इनका कुछ नहीं कर सकते, अगर हम इनको काबू करने की कोशिश भी करते हैं तो नुकसान उठाएंगे, तो बेहतर यही है कि इनको इनके हाल पर छोड़कर वापस चलते हैं। एंड मेक श्योर करो कि आइंदा कभी भी रात को या रात के वक्त इनके इलाकों से मत गुज़रो, और जब गुज़रो तो बस अपने रास्ते पर हो लो और निकल जाओ। इन इलाकों में रुकने की, बैठने की और रफ़ा हाजत करने की या गंदगी करने की कोई कोशिश भी मत करना। तो बहरहाल उसके बाद परदादा कहते हैं कि हम अपने कैंप में वापस आ गए और मंजीत सिंह की लाश हमने उनकी फैमिली को दे दी। अब्दुल लतीफ़ थोड़े दिन तक ठीक रहा, फिर अनफिट हो गया और उसको भी रिटायर कर दिया गया। लेकिन परदादा कहते हैं कि जब भी वो वाकया याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो मैंने देखा था ज़िंदगी में, ऐसा वाकया किसी ने नहीं देखा होगा। ये स्टोरी थी वोटिक्स भाई, पसंद आई तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। ठीक है, तो आपके साथ ऐसा कोई रियल वाकया, इंसिडेंट वगैरह पेश आया है जो एक्सपीरियंस आपने किया हो कभी इसका? एक्चुअली मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे नानू थे, वो मुझे एक उन्होंने, और ये रियल स्टोरी है, ये रियल एक बात है, कोई ऐसी नहीं है कि ये स्टोरी गलत है। ये स्टोरी मेरे नाना के जमाने की है। एक्चुअली जब वो वहाँ इंडिया में होते थे तो वहाँ पर उनके भाई थे छोटे, जो लखनऊ में पढ़ रहे थे और LLB किया हुआ था, काफी पढ़े लिखे थे। तो एक्चुअली उनको ना शिकार का बहुत शौक था। तो वहां पर बताते हैं मेरे नाना के, वहां पर एक तालाब था, तालाब के जैसे होते हैं ना, तालाब के ऊपर या एक पॉन्ड के ऊपर, पॉन्ड भी कह सकते हैं, तो उसके ऊपर बर्ड्स जो होती हैं वो बैठी भी होती हैं खाने के लिए दीवार के ऊपर। तो वो रहते, वो शिकार भी करते थे। तो उन्होंने अपने गन से उन चिड़ियों को मारा। जब उन चिड़ियों को मारा तो सातों के सात चिड़िया गिर के ना पानी में गिर गई, यानी कि उस पॉन्ड के अंदर चली गई। तो वो जो मेरे यानी के नानू के भाई थे, उन्होंने उस पॉन्ड से चिड़िया निकालने या बर्ड निकालने जब वो गए, तो क्योंकि उनको स्विमिंग भी आती थी बहुत अच्छी, उस जमाने के बहुत पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड पर्सन थे वो। अच्छा। तो उनको स्विमिंग आती थी और वो जैसे ही पॉन्ड में गए तो वो डूब गए, यानी के उनको उनका पता नहीं लगा बिल्कुल भी, यानी कि बहुत ज्यादा। जब वो दोस्तों वगैरह ने बताया तो जो उनके यानी कि मेरे परदादा जो थे, उन्होंने यानी कि वो जो होते स्विमर, उनको तालाब में पूरा नदी जैसी थी, उस पूरे नदी में उन्होंने यानी कि चप्पा चप्पा तलाश किया, यानी 7 दिन तक वो उनको तलाश करते रहे, उस पॉन्ड के अंदर वो नजर नहीं आए। जब 7वें दिन वो आए तो उनकी जो डेड बॉडी थी वो खड़ी हुई थी और उनके नाक से ना दादा जो ब्लड आता है वो निकलना था। तो ये रियल हकीकत है, और रियल वो है कि ये चीजें लाइफ में होती हैं, और हो सकता है कि जिन बर्ड्स को उन्होंने मारा हो वो कोई जिन्नात हो, कुछ हो, और बाद में उन्होंने बदला लिया हो। तो ये इस तरह की चीजें होती है, और ये रियल स्टोरी है, इसमें बिल्कुल भी कोई मजाक या कोई चीज नहीं है। इनफैक्ट तो ये सुनाते थे मेरे नाना जो थे, और ये बहुत पुरानी बात है। और बताते हैं कि वहां पे तो ये सब चीजें बहुत कॉमन होती है, वहां पे तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सही करें जी। तो ये एक रियल फैक्ट है। और एक रियल फैक्ट में कराची का भी आपको बताती हूँ कि एक दिन हम लोग, क्योंकि शादियां वगैरह होती हैं, तो वो कुछ करीबी रिलेटिव की शादी थी, बल्कि तो मेरे नाना जो होते हैं ना, वो पुल के दूसरी तरफ रहते हैं, हम कहीं और रहते हैं। तो आपने देखा है वो डिक्रोट वाला पुल? जी, डिक्रोट वाला पुल देखा, जहाँ से एयरपोर्ट पुल देखा है जी, जहाँ से वो शुरू होता है, उससे आगे बल्कि नर्सरी वाला पुल जो आपने देखा है, जहाँ पे वो मजार भी है ना, दुल्हन की तरह वहां पे खड़ी हुई थी, और उसने हमें गाड़ी को यानी कि लिफ्ट के लिए हाथ दिया, लेकिन तेजी में थे तो हम लोग निकल गए। फिर जब मैंने पलट के हम लोगों ने देखा तो वहां पे कोई नहीं था। तो ये एक रियल फैक्ट, और हम लोग इतना घबरा गए, इतनी तेजी से हमने वो रास्ता पूरा किया और आए तक कुर्सी पड़ते रहे। तो ये फैक्ट होता है, इस तरह की चीजें होती हैं, बिल्कुल
जी ऐसे ही है, तो मेरे ये तो पुल, जी तो ये पुल जो दो नर्सरी वाला था, एक मिनट, ये जो ड्रिग रोड पुल का जो पुल है, ब्रिज जो है जहाँ से हम एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, वो तो अलग है, और जो नर्सरी वाला आप बता रही ना, वो शारे फैसल पे पुल है। जी, वही 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 मैंने देखी। और जैसे हमने पलट के देखा ना, देन वो वैसे वहां पे नहीं थी, और ज्यादा नहीं, थोड़े कितना होगा, अगर 10 मिनट या 5 मिनट में भी हम कितने दूर गए होंगे। हम लोगों ने पलट के देखा तो वो वहां पे नहीं थी। तो वो वो गायब हो गई। चीजें होती है, अल्लाह बनाई है अल्लाह ताला ने यहाँ पर। और नर्सरी पे तो वैसे भी एक दुल्हन का तो बहुत ये मशहूर है, बहुत वो ज्यादा, शारे फैसल पे नर्सरी कराची है, में तो सही कह रही हैं, शारे कारसास पे, फैसल पे ना कारसास पे। जी, बहुत फेमस है ये तो ये ये मेरे साथ होता भी हुआ है ये है, सब चीजें। मेरे साथ भी सेम हुआ है। आप जैसे कराची की हैं, ऐसे मैं भी कराची का हूँ, और मेरे साथ तो रात में जो सीन हुआ था, तो वो रात ही बहुत ख़राब थी, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी होती थी, तो मैं 8 बजे ऑफिस जाता था और 4 बजे मैं घर आता था। तो उस दिन कुछ ऐसा सीन था कि बहुत तेज़ बारिश हुई हमारी, मतलब मूसलाधार बारिश हुई, और इतनी तेज़ हुई कि सब मतलब डर गए कि हम लोग घर कैसे जाएंगे, बिजली भी गरज रही है और पानी भी रोडों में आपको पता जमा हो जाता है। तो हमारे जितने भी ऑफिस कोलीग्स थे, हमारे सर ने हमें रोका कि नहीं जी आप मत जाएं अभी घर पे, थोड़ा बारिश रुक जाए फिर चले जाएगा। हमने कहा नहीं सर, हम फिर और लेट हो जाएंगे, तो हमें जाना पड़ेगा। तो हमने उनकी बात नहीं सुनी, कहते हैं जब बड़े कोई बात करें तो सुन लेना चाहिए। तो हम लोग निकल गए। अब जब हम लोग निकले तो हमारे 4 बाइक्स थी टोटल, एक में तो मैं था, एक में 2 बंदे बैठे हुए थे, फिर एक में 2 बंदे, फिर एक और बंदा था अकेला। तो ये 4 बाइकें टोटल थी, और वो लोग जब चलते रहे तो उनमें से रास्ते में जाते हुए मेरा पहला एक्सीडेंट भी हुआ, और वो मैरियट होटल के सामने मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद फिर मैरियट की वाली रोड पे जब वो हुआ तो बच गए, इतना कुछ हुआ नहीं, बाइक वापस उठा ली क्योंकि स्लिप हो गई थी, आगे तार पड़े हुए थे केबल के। तो वहाँ से जब हम लोग निकले हैं और हमने देखा है कि पानी जिस जगह पे कम है, जिन रोडों पे और जिनमें ज़्यादा था, हम वहाँ से नहीं गए। तो ख्याल कुछ ऐसा हुआ कि कायदे आज़म के मज़ार के बैक साइड से, जो लाइन जेरिया वाली रोड पट्टी जो पड़ती है वहाँ की, वहाँ से जाते हैं। तो जैसे हम लोग वहाँ मुड़े हैं, अच्छा हमें बिल्कुल पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो हम लोग चल रहे थे बाइक पे, स्लो स्लो जा रहे थे कि पानी में बाइक और मज़ीद स्लिप ना हो, एक्सीडेंट वैसे ही हो चुके थे, तो हम बाइक भगा नहीं रहे थे, हम ऐसे नॉर्मल स्पीड से भी लो स्पीड में बाइक चला रहे थे ताकि बाइक स्लिप ना हो। तो सबको यही कहा गया था इंस्ट्रक्शन के, भाई आप तेज़ मत चलाना, बाइक गिर जाए, क्योंकि सबको घर पहुंचने की जल्दी थी कि किसी तरह से बारिश में घर पहुंच जाए। तो जब हम मुड़े उस रोड पे, तो लेफ़्ट साइड पे अचानक ऑल ऑफ द सडन जो है ना, वो एक लड़की खड़ी हुई है, और उसने साड़ी पहनी हुई थी, मतलब एक घाघरा टाइप कुछ पहना हुआ था, फ्रॉक, और उसका जो एक सूट था वो ब्लड रेड टाइप था, उसमें कुछ कांच का कुछ काम हुआ हुआ था, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सूट ऐसे आते हैं जिसमें शीशे भी लगे हुए होते हैं साथ, तो वो पुराने टाइप के राजस्थानी टाइप के होते हैं वो सूट। तो उसमें ना उन्होंने अपना जो घूंघट था वो अपने आगे किया हुआ था उस लड़की ने, और वो हाथ से पकड़ा हुआ है, और बारिश तेज़ हो रही है, और वो लड़की जो है वो वहाँ खड़ी हुई, और हम हैरान हो गए। हमने बोला यार ये क्या कर रही है यहाँ पे खड़े होके। हमने कहा चलो खैर, मैं तो समझ गया था खड़े हो, वो बाकी सब भी समझ गए थे, इतना तो कोई होता नहीं है कि रात में अकेला कोई लड़की इस तरह से खड़ी हो। तो पहले तो उसके सामने से कुछ इंचेस के फासले से पहली बाइक गुजरी, फिर दूसरी गुजरी, फिर तीसरी गुजरी, सबसे लास्ट में मैं था, और मैंने भी उसकी तरफ देखा ही नहीं, कि वो बस वो दूर से देखने के बाद मैंने दोबारा देखा ही नहीं कि पाँव कैसे हैं या वो क्या है, क्योंकि मुझे पता था कि हो सकता है कि हम लोग किसी मुसीबत में आ जाएं। तो हम चारों वहाँ से निकल गए। जब आगे चौरंगी में पहुँचे, थोड़ा 2-3 मील के फासले पर जब उससे दूर चले गए, ब्रिज क्रॉस किया, कायदे आज़म के मज़ार के दूसरी तरफ आ गए, तो वहाँ जाके लोगों ने बाइकें रोकी कि यार ये क्या था और हमने क्या देखा। तो हमने बोला भाई कोई लड़की खड़ी थी, क्या मतलब क्या देखा, तो जाओ हम उससे पूछते हैं कि क्या। मैंने कहा नहीं, आपको कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्या करना है आप सीधा घर जाओ, वो लड़की नहीं थी, वो कोई और चीज़ थी। तो ये लोग सारे डर गए, फिर ये लोग ऐसे ऐसे हम लोग वहाँ से घर निकल गए, वरना उस दिन अगर हम लोग बाइक रोकते और जिस तरह से उससे इंटरेक्ट होता या बात करते तो हम लोग काफ़ी मुसीबत में आ जाते, और ज़्यादा मुसीबत में आए। तो अल्लाह ने हमें बचाया वहाँ से बहुत। बिल्कुल जी, तो इस तरह के वाकयात जो होते हैं लाइफ में होते रहते हैं, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इस चीज़ का जिक्र किया है, अपनी किताब में जिक्र किया है, तो बिल्कुल जी। और सऊदी अरब में तो एक वादी है जिन भी है, और मस्जिद जिन भी है वहां पर ना, वहाँ हमने हम लोग गए थे तो मस्जिद जिन के नाम से है, लेकिन जब अंदर गए तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कहते हैं कि उस मस्जिद को जिन ने तामीर किया था,
जी, कहा तो जाता है सब चीज़ों के पीछे की स्टोरीज हैं, और मैं समझता हूँ हरी ये पुरानी वक्तों की स्टोरीज रही गई हैं। अब तो खैर बहुत मॉडर्नाइज ज़माना आ गया, तो ये चीज़ें बहुत कम मतलब अपना एग्जिस्ट कराती हैं, दिखाती हैं, अपना शो करती हैं खुद को, या बहुत वीराने में ये चीज़ें चली गई हैं। अब वो वाकया जो हमारे दादी नानी सुनाती थी, अब वो पहले जैसे वाली बात नहीं है, लेकिन अब भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़र ज़रूर आती हैं, लेकिन आज की जो कहानियाँ हैं वो बिल्कुल न्यू हैं, जो पुरानी कहानियां थी वो बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ नए और कुछ पुरानियाँ, और पुरानी कहानी स्टोरीज होती हैं, और कुछ नए कुछ जो इनके इनका एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करें, क्योंकि उससे बिल्कुल पता चलता है। और ये चीज का हमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने चीज रखी है, तो इस चीज के लिए हमें यकीन हो जाता है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक बनाई हुई है दुनिया में इंसानों के अलावा। ओके, तो आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में, मतलब नेक्स्ट हॉरर एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो थैंक यू सो मच हरीम, आप कॉल पे आई और आपने हमसे अपनी स्टोरी शेयर की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल पे लिया, और जजाक अल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये थी जनाब आरजे हरीम हमारे साथ, और इन्होंने अपनी एक स्टोरी शेयर की। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास ऐसे बहुत से वाकयात होंगे जो वो हमसे शेयर करना चाहते हैं और हमें अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, लेकिन वो भी हम ज़रूर सुनेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दीजिए शो से इजाज़त। उम्मीद करते हैं आज की स्टोरी आपको पसंद आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर से मुलाकात होगी नई स्टोरीज़ के साथ, जो कि कहीं ना कहीं ड्रोनी भी हैं, और कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसा है जो आज से पहले हमने नहीं सुना, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो सिर्फ उन्होंने किया और जिनके साथ ये वाकयात पेश आए। फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और ऐसी चीज़ों से महफूज रखे। ये चीज़ें सुनाने का मकसद या हॉरर शो करने का मकसद सिर्फ आपको अवेयर करने का है कि आप लोग के साथ अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई सीन हो, तो आप लोगों को पता हो कि आपको सिचुएशंस में क्या करना है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों से महफूज फरमाए, और कोशिश किया करें जहाँ पर भी ऐसी मखलूक़ात अगर आपको ऐसा फ़ील हो कि वहाँ मौजूद हैं तो वहाँ से दूर हट जाएँ, इसी में आपकी बेहतरी है। जिन जिन लोगों ने भी हॉरर शो को लाइक किया, आप सबका बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर से नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Yes.
forth. Unleash the tides of doom upon all those who would oppose us.